सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। अंतिम यात्रा निकल चुकी है, आपने देखा लाइव सिटीज पे जब अंतिम यात्रा निकल रही थी, और यहां पर देखिए ये पूरा हुजूम कार्यकर्ता और नेता के, वो गाड़ी जो आपको दिख रही है उस पे आपको चिराग पासवान भी नजर आएंगे। और यहां पर आगे से एक तरह से ह्यूमन चैन बना दिया गया है कि गाड़ी के पास ज़्यादा कोई सट ना सके, मगर कार्यकर्ता यहाँ पर है और कार्यकर्ता से जानते हैं यहाँ पर सभी कार्यकर्ता अंतिम यात्रा के लिए आप लोग भी साथ जा रहे हैं, क्या कहना है? हमारे देश के बहुत दलित शोषितों के मसीहा इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों में आज भी वो जीवित हैं जी और हमेशा रहेंगे जी। और हम दूसरे भूल सकते हैं, आपकी आँखें नम हो रही हैं। हाँ, हम बिहार से घर हुआ। कब से आए हुए आप? हम तो कल से आए हुए हैं। कल से आए हुए जी, बोलिए। हम सिरघाटी से पवन पासवान लोजवा प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारे दलित के नेता, बहुत बड़ा नेता को हम लोग खो दिए हैं, और आज ऐसा नेता कोई नहीं अब रह गया जो हम लोग को दलित के लिए जितना इन पासवान का नाम पूरे विश्व में उत्थान किया है। और आने दीजिए, हम लोग सारे इसमें मायूस हैं जी। बलिया जिला अध्यक्ष जी, यह हम लोगों के पार्टी के साथ देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है जी, और सारे देश में इनकी पॉपुलरिटी थी जो आज दिखाई पड़ रहा है। सभी दल के लोग, पूरे बिहार के लोग, जो हिंदुस्तान के लोग आकर इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग कल से ही आए हैं। आपकी आंखें नम हैं, क्या कहना चाहिए जी? हम लोग बहुत दुखद स्थिति में हैं, पूरा आंख नम है। पूरे देश के मसीहा और बिहार के अभिभावक हमारे रामविलास पासवान जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम लोग बहुत ही संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग बहुत पूरे बिहार दुख में है, दुख संकट पर संवेदना प्रकट कर रहे हैं। देखिए ये अंतिम यात्रा है जो दीघा घाट की तरफ निकल चुकी है आवाज से, और ये देखिए वो जो गाड़ी आपको दूर में नजर आ रही होगी, वो जो गाड़ी उसमें पार्थिव शरीर रखा गया है और उसी में चिराग पासवान भी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको नज़दीक से दिखा पाए। और ये देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग एक ह्यूमन चैन की तरह बना दिया गया है। यहाँ पर जितने भी अफसर हैं, जितने भी पुलिस महकमा के लोग हैं, वो देखिए, वो गाड़ी आप देखिए उसमें, अगर आप देख पा रहे होंगे तो श्रद्धांजलि का एक फ़ोटो और उसमें रामविलास पासवान की तस्वीर, और उस साइड जब गाड़ी और पास आएगी हमारे, वो आपको नज़ारा दिखाएंगे। जब गाड़ी पास आएगी तो आप देखिएगा कि उसमें चिराग पासवान भी मौजूद हैं। अंतिम यात्रा निकल चुकी है, हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं, और यहाँ पर इस तरह से ह्यूमन चैन बनाया गया है कि बीच में कोई ना आ जाए। कार्यकर्ताओं में उदासी है और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, तो उनको रोकने के लिए एक तरह से ह्यूमन चैन है। ये गाड़ी देखिए नज़दीक आती जा रही है, जैसे जैसे नज़दीक आ रही है आप तस्वीर साफ तौर पे देख सकते हैं। ये एक रामविलास पासवान की फ़ोटो, और उस पे डेट मेंशन है कि उनके सफ़रनामा, ज़िंदगी का सफ़रनामा 5 जुलाई 1946 से 8 अक्टूबर 2020 तक। ये देखिए ये गाड़ी पास आ गई, और इस गाड़ी में आपको दिख जाएंगे चिराग पासवान भी मौजूद हैं गाड़ी, और इसी में पार्थिव शरीर रखा गया है। इस गाड़ी को पूरी अच्छी तरह से सजाया गया है। देखिए ये पोस्टर, रामविलास पासवान 5 जुलाई 1946 से 8 अक्टूबर 2020 तक, और पीछे कार्यकर्ता अब जोरों शोर से, देखिए चिराग पासवान यहाँ पे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको, चिराग पासवान उदास है और यहाँ पर दम आँखों से है। यहाँ पे देखिए चिराग पासवान के साथ प्रिंस राज भी है, चिराग पासवान के साथ प्रिंस राज है, और चिराग पासवान हाथ जोड़े बैठे हैं और मास्क पहनकर, और ये देख सकते हैं आप, ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ लाइव सीरीज पर। आप जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।